हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हम। अभी हम घूमने जा रहे हैं और दिन के 10:30 बज रहे हैं। आज जल्दी निकल रहे हैं घूमने क्योंकि शाम को आ जा रहा है तूफ़ान। तो कल भी तूफ़ान आ गया था और हवाएं इतनी तेज़ तेज़ चल रही हैं कि मेरे बाल उड़ रहे हैं। और ये देखिए मेरे पीछे का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, हमारे घर से इतना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको अपने साथ ले चलती हूँ और भी खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखाने के लिए रानीखेत के। तो चलिए चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं गोल्फ ग्राउंड रानीखेत, और जो कि एशिया का दूसरे नंबर का ग्राउंड है। गोल्फ ग्राउंड इतना बड़ा ग्राउंड है जो कि दूसरे नंबर पे आता है एशिया में। तो चलिए गोल्फ ग्राउंड की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ से रास्ता है और कितने ज़्यादा सैलानी आए हुए हैं। देखिए जहाँ तहाँ व्हीकल्स खड़े हुए हैं, वाहन खड़े हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो देखते हैं अंदर कैसा है, मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। आप ब्लॉग में बने रहो और देखते रहो रानीखेत की खूबसूरती। आए थे गोल्फ ग्राउंड देखने और आप लोगों को दिखाने, और यहाँ पे लटका पड़ा है ताला और ये आर्मी वाले हमको अंदर नहीं जाने देते हैं। जब हम बचपन में आया करते थे तो पूरा ग्राउंड खुला होता था, रोज़ खुला होता था। और देखिए इतने सारे सैलानी आए हैं, सब परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये लोग ताला नहीं खोल रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से ताला खोलते हैं। जब इनको गोल्फ खेलना होता है तो ये खेलते हैं, उसके बाद सिविलियंस के लिए मतलब रानीखेत में कोई भी आज़ादी नहीं है। देश आज़ाद हो गया लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हुए रानीखेत वाले। ये देखिए सैलानी इंतज़ार कर रहे हैं, इतना आके जा रहे हैं, लौट रहे हैं। हम लोग तो लोकल हैं तो आके फिर चले जाएंगे और फिर आ जाएंगे, लेकिन ये इतनी दूर दूर से आए हैं, ये नहीं आ पाएंगे देखने दोबारा। और हम पहुंच गए हैं कालिका मंदिर, माँ काली दुर्गा मंदिर रानीखेत। तो ये कालिका ही बोला जाता है इस स्टेट को, पूरी कालिका स्टेट बोला जाता है। तो चलिए चढ़ते हैं ऊपर को। अच्छा कितने का है? एक प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, दो है कह रहे ऊपर काली और दो ही ले लो। अभी आके हमको पिलाओगे? हाँ नींबू पानी, हाँ नहीं नहीं पैसे दे के जाएंगे। अभी पी लेते हैं, चलो किसी दिन नहीं यार, लौट के पियेंगे। सोडा वाला कितने का? 40 का। और हमारे साहब जी को प्यास लग गई है तो नींबू सोडा पी रहे हैं। नींबू है इनका बनाया जाएगा नींबू सोडा। और हमको अल्मोड़ा के लटवाल जी मिल गए हैं, और लटवाल जी कह रहे हैं मैं आपका हर ब्लॉग देखता हूँ। हैं लटवाल जी, कैसे लगते हैं हमारे ब्लॉग? हाँ धन्यवाद आपको। अच्छा नहीं वैसे कह रही, और ये देखिए कितना सुंदर रास्ता है ऊपर को जाने की, सीढ़ियाँ हैं। इस हम चढ़ रहे हैं चढ़ाई ऊपर को मंदिर के लिए, कालिका जी के मंदिर के लिए। अभी मेरा पैर मुड़ गया था इसमें देखने से, और आज मैं तो बहुत सालों बाद यहाँ आई हूँ। बचपन में आया करते थे हम लोग, लेकिन आज हाँ एक बार फिर शादी के बाद आए थे हम लोग, लेकिन आज बहुत दिनों बाद आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी सी दूरी है ऊपर, करीब 20-30 सीढ़ियाँ और हैं तो हम पहुँच जाएँगे ऊपर। और एक मंदिर ये भी दिख रहा है नीचे, अभी लौटते वक्त आएंगे हम यहाँ पे। कोई बात नहीं हम कोई बात नहीं, हम भी ले लेते आपको अपने ब्लॉग में। हाँ हम ब्लॉग बना रहे थे तो भाई साहब लोग, हाँ मैम लोग फोटो खिंचा रहे हैं। हम अल्मोड़ा से, हाँ लोकल ही हैं, लोकल है। और आप कहाँ से आए? हम भी लोकल से, रानीखेत से। रानीखेत कहाँ से? रानीखेत तो मेरा मायका है। हम भी मायके आए हैं। अच्छा चलिए ठीक है। और अच्छा, और ये लोग भी मायके आए हैं, मैं भी मायके आए हैं, तो देखो हम लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं मायके में। काली मैया के पास, हाँ दर्शन के लिए सब अपनी काली मैया के पास आ रहे हैं, हम अपने मायके की देवी को भेटने आ रहे हैं आज। तो चलिए चलते हैं ऊपर। और देखो यार कितना प्यारा मस्त नज़ारा है, ऐसे नज़ारे तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। जितने खूबसूरत नज़ारे आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलते हैं
और मैं इतनी मेहनत करती हूँ तब भी आप लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे चैनल को, और आज तो कर ही दो। देखो अगर आपको इतने सुंदर और भी खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे देखने हैं तो अपने जूते चप्पल उतार लेंगे। चलिए उतार लेते हैं। और देखो ये पढ़ाई कर रही है बच्ची। पढ़ाई कर रही बेटा, फोटो खींच देंगे, मंदिर की खींचने देते, बाहर से ही खींच लेते ना, यहीं से बना दे। और ये हम पहुंच गए कालिका मैया के दरबार में, तो अब अंदर फोटो या वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो हम यहीं पे बंद कर देंगे इसको। बंद कर, लंबा हो जाएगा, फिर वहाँ से अल्मोड़ा 12 किलोमीटर होता है, तो आप अल्मोड़ा के रास्ते फिर नैनीताल हो जाएंगे। तो हम लोग का ये मतलब इस रास्ते से आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप फिर वहाँ से निकल सकते हैं अल्मोड़ा से। गोल्फ कोर्स छोड़ देंगे तो वो देखिए, गोल्फ कोर्स दोनों चीज देखिए। मैं आप जब कैसा लग रहा है थोड़ा आपका घूमने में, डेढ़ घंटा और पहाड़ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर आप 8 बजे बुढ़िया लग रहा है, बुढ़ा नहीं लग रहा। टेम्पल देखिए, एक घंटे में आप पूरा टेम्पल देख। ठंड लग रही है ना? हम तो आपको इसलिए बताया है क्योंकि बार बार आप कलकत्ता से आ नहीं सकते, बहुत दूर है। देखिए हम टेंपल पूरी में हम बहुत बार देख चुका है, लेकिन आगे और शुरू करना चाहिए। बहुत बार देख चुका सांड टेंपल, लेकिन इधर सांड टेंपल। यह है शीतला देवी का मंदिर, और ऊपर था दुर्गा माता और कालिका माता का मंदिर था, जहाँ की फ़ोटो वगैरह लेना मना था, तो हमने नहीं ले पाए, बाहर से ही दिखाया है। तो यह है शीतला माता के दर्शन, तो कर लीजिए आप, यहाँ पे मना नहीं है। और जोत जल रही है माता की। शीतला माता जो होती हैं शीतलता प्रदान करती हैं, तो जब भी बच्चों को पहले से दादूरे होते थे, छोटी माता बड़ी माता आती थी, तो उसके बाद 22 दिन होने के बाद, पूरे होने के बाद शीतला माता के मंदिर में ले जाया जाता था बच्चों को प्रसाद लेकर, तो तभी वो बाहर निकलते थे। तो गाइस जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, तो जो टूरिज्म वाले हैं या गाइड हैं, वो उनको अच्छे से बताते नहीं है कि कौन सी जगह क्या है। तो अभी उन्होंने हमसे पूछा और वो आपस में ही भिड़ने लग गए हैं, तो इससे पहले कि वो ज़्यादा भीड़ है हम पतली गली से निकल लेते हैं। और यहाँ पर बने हैं बहुत सारे रिजॉर्ट होटल, रहने की कोई टेंशन नहीं है यात्रियों के लिए। गोल्फ ग्राउंड रानीखेत, और ये इतना विशाल ग्राउंड है कि एशिया में दूसरे नंबर पे आता है गोल्फ ग्राउंडों में। तो यहाँ पे गोल्फ खेली जाती है, और आर्मी वाले ही खेलते हैं, सिविलियंस को अलाउ नहीं है। तो ऐसा ही दूसरी साइड का दृश्य भी है, और फेंसिंग लगी है, तो मैं फेंसिंग के ऊपर से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये देखिए ये दूसरी साइड है। ये देखिए अभी तक तो हमने हरे हरे जंगल देखे थे, लेकिन आप भविष्य में आने वाले भविष्य में हमें ऐसे लाल लाल जंगल देखने पड़ेंगे, और अभी भी देखने पड़ रहे हैं। ये देखिए ये लाल लाल हो रखे हैं, ये इसलिए लाल लाल हो गए क्योंकि ये सारी आग लगा दी गई जंगलों में। तो देखिए कैसे जल के पौधे लाल लाल हो गए, सारी पत्तियाँ सूख गई हैं इनकी। तो अभी तक तो पहाड़ जो है हरे जंगलों के लिए फेमस था, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर ऐसे ही आग लगती रही तो ये लाल जंगलों के लिए फेमस हो जाएगा। ये देखिए तो गाइज हम तो आए थे यहाँ पे रील बनाने, और हमने बना ली है बहुत प्यारी प्यारी सी रील, और मैंने झूला भी झूल लिया, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है झूला झूलने में। और अब हम जा रहे हैं घर, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।